तरीका से आपको मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये जो आपकी वर्क का आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट, तो इसमें जो आपको रेंज आएगी अभी जो रेंज है वो सब लो वाली रेंज आएगी वर्क की, सब लो एंड बेस्ट, चीप एंड बेस्ट वाली रेंज आएगी, सब बढ़िया से बढ़िया डिज़ाइन आएंगे, बढ़िया से बढ़िया कलर आएंगे। इसमें आपको डिज़ाइन मैं बता देता हूँ इस टाइप के, सब देखो लो रेंज से आएगा सब। जी सर, ये देखिए ये सब चीप एंड बेस्ट रेंज आएगी, एकदम हल्के से हल्की रेंज आएगी। जी सर, 220 230 सब ऐसे 220 30 तक रेंज आएगी। तो सर इसका भी देख लीजिए, नया वेराइटी आएगा सब। तो इसका कितने कितने का बंडल होता है सर? इसमें 6-6 कलर की मैचिंग आएगी, ये सब लेटेस्ट मॉडल आएगा अभी जो चल रहा है ना। यस सर, ये देखो इस टाइप पे इसमें पार्टली वाटे सब आएगा, एकदम मस्त। ये पूरा सेट वाइज माल आएगा सर? सेट वाइज माल आएगा, 6-6 की मैचिंग आती है, किसी की 6 की आती है, किसी की 10 की आती है, किसी की 4 की आती है, सब मैचिंग मिलेगा आपको। ये देखो इस टाइप की सब वेराइटी मिलेगी। यस सर, रेंज एकदम लो रेंज आएगा, एकदम बढ़िया से बढ़िया, यानी समझ लो कि आप इसमें 200-300 रुपए का प्रॉफिट आराम से रख सकते हो। चीप एंड बेस्ट रेंज है, मिनिमम रेंज वाली साड़ियाँ है, सब हल्के रेंज वाली साड़ियाँ है, और कपड़ा फैब्रिक जो वर्क बनाएंगे एकदम बेस्ट, आपको जो कॉन्सेप्ट आएगा जो आज के हिसाब से जो चलती है साड़ियाँ, okay. उस टाइप की बेस्ट चीप एंड बेस्ट वाली साड़ियाँ है साड़ी। तो मतलब सर जैसे कि आप हर वीडियो में कस्टमर को कुछ ना कुछ समझाते, तो इस वीडियो के लिए कुछ? नहीं, समझाने का अभी क्या है, तो इस टाइप की चीज़ है जो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि कस्टमर जो एक तो आवे तो स्टेशन से आवे तो हमें फ़ोन करे या व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजिए, और मेन प्रॉब्लम एक है कि कंफ्यूज ना हो। ओके, कंफ्यूजन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इधर क्या ग्राहक आते हैं, 100 जनों के वीडियो देखते हैं, फिर 100 जनों के वीडियो देखने के बाद उसमें वो लोग क्या करते हैं, वो लोग 300 की साड़ी 50 में बताएंगे, 60 में बताएंगे, वो घुमाने वाली बात है, वो अच्छी बात नहीं है। तो ग्राहक अपना क्या हुआ है, भला ही नहीं ले हुए उसकी बात दो नंबर की है, कोई किस्मत का किसी की चिंता नहीं है, सही बात। लेकिन एक बार ग्राहक अगर सूरत में भी आता है तो एक बार अपने शॉप की विजिट ले, ओके, समझ लेना, वो तो क्या विजिट लेगा तो उसको आइडिया आएगी कि नहीं भाई क्या चीज है, क्या नहीं है, क्या बिकता है, क्या नहीं बिकता, वेराइटी कैसी है। अब सब जगह से इधर सूरत में क्या सब कंपटीशन वाला काम हो गया, चलो एक कंपटीशन चीज़ एक अलग होती है और एक चीटर की चीज़ एक अलग होती है। यहाँ पे सब जो आदमी बोले तो वो आदमी एकदम ऐसा करेगा कि भाई इसके जेब में 50,000 रुपये है तो 50,000 रुपये मुझे चाहिए, वो 200 रुपये वाली साड़ी जो माइंडली होता है वो अपसेट हो जाता है, वो बेचारा खरीद नहीं पाता है। उसमें सब ये ब्रोकर लोग भी जो अभी इधर रोड पे घूमते हैं कि हमारी शॉप है, हमारा मिल है, इनके मिल होते तो ये रोड पे नहीं घूमते, ये जनरल आदमी को मालूम पड़ना चाहिए। कोई कोई टू व्हीलर में जाते हैं, कोई इधर घूमते हैं ऐसे पकड़ के ले जाते हैं हमारी दुकान में, चलो उनका सब कमीशन टाइप का होता है, हम लोग उनको भी कुछ नहीं बोल सकते, सही, क्योंकि उनका भी अपना रोजी रोटी का सवाल है। लेकिन ये चीज़ आपका जो पैसा खरीदता है, जिसके जेब में से पैसा जाता है ना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई अपना कहाँ पे सही व्यवस्थित माल लेना चाहिए और कहीं पे। मतलब कस्टमर जब आप सूरत में आए विजिट हो रहे तो स्टेशन में आते ही सर को फोन करिए, सर आप फोन करिए, आप बोले तो आपको मैं जो यहाँ तक है वो रिक्शा का वहाँ से आप मुझे फोन करिए, वहाँ से रिक्शा वाले को सही रास्ता बता के आपको सही, यहाँ तो रिक्शा वाले भी बेमान हो गए, सही बात, ये सब स्टेशन पे उतरते हैं, चलो सेठ हमारा मिल है, रिक्शा वाले का सब घालमेल वाला, होटल पे जाओगे होटल वाला पूछेगा आपको कि भैया क्या लेना है, साड़ी लेना है क्या, तो बोलेगा मेरे पहचान वाली है, सब सेटिंग वाला काम हो गया, yes, सब इन्हें वो सब चिंदड़ बिंदड़ काम हो गया। तो मैं कस्टमर्स को एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका संतुलन रखे, किसी के अयर गहरे के बातों में आके आप नहीं आई है, भले ही मेरे से मत लीजिए कोई परवाह नहीं, लेकिन किसी के बातों में आके आपका पैसा खराब, क्योंकि सर ऐसा हो चुका है बहुत बार कि बहुत सारे कस्टमर का रिक्वायरमेंट फोन पे आता है, वो सीधा बोलते हैं कि सर हमने इधर से माल मंगाया था उधर से माल मंगाया था। हाँ, तो व्यवस्थित है ना, वो आपने संतुलन नहीं रखा, आपने जो वैरायटी किया है, जो सिलेक्शन किया है, कभी कभी ऐसा भी हो गया होगा कि जो हमने देखा वो आया नहीं है, और उसमें क्या होता है, जैसे आपके पास क्या पैसा है, उनको चिन्हना है, दूसरा कोई नहीं हो, सही बात है। बस अभी इस टाइप की जो साड़ियाँ आती है, ये सब फैंसी साड़ियाँ है, ये सब रेंज आप अगर व्हाट्सएप पे हाई करके भेजोगे मुझे तो आपको रेंज मालूम पड़ेगा कि एक साड़ी पे आप कम से कम आपका प्रॉफिट जो होगा, तो आप मैं बोल नहीं सकता हूँ, फिर आपको मालूम पड़ेगा कि भाई क्या प्रॉफिट होता है। सही बात है, देखिए सब ओपन नहीं कर सकते, ये सब
ये देखो लहंगा, और लहंगा पीछे वाली साइड पर लहंगा आएगा, इस टाइप की बेस्ट क्वालिटी आएगी। ये सर वेरायटी जो लुक न्यू लुक वाली वेरायटी है, आप इसमें चिंता करने का विषय नहीं है, खाली आप मोबाइल पे मेरे आई करके भेज दीजिए, आपको फोटो भेज दिया जाएगा। और आपको जो समझ लो जो चीज़ अगर आपको समझ में आती है वही चीज़ आएगी, दूसरी कोई चीज़ नहीं आएगी। क्योंकि मेरा जो काम है वो खुद का मशीन लगी है, खुद का मैन्युफैक्चर वाला काम है, हम धागे से लेके वर्क तक हमारा सबका मेंटेनेंस करते हैं। यस सर। तो आप हमारे से जितना भी आप 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का या लाख का, 2 लाख का माल लेके जा सकते हो, उसमें से आपका 10-20 साड़ी नहीं चलता है तो कभी भी आप चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिप्लेस का कोई क्या है, रिप्लेस कोई बोलता है साल में कर देंगे, 2 साल में कर देंगे, साल भर तो इंसान का भी गारंटी नहीं होता। सही बात। तो उसमें क्या है, आपका माल बिकना चाहिए, बिकना चाहिए, माल बिक के आपको हंसते कुछते अगर ग्राहक आवे तो मजा आता है, धंधा करने में भी मजा आता है, आपको भी मजा आता है, हमें भी मजा आता है। सही बात है। कुछ भी बोल के कुछ भी करने से कोई फायदा नहीं होता, संतुलित रख के धंधा करिए। मैं कस्टमर्स को रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि आप अपना संतुलन व्यवस्थित, सूरत में अगर आते हो आप व्यवस्थित रखिए, किसी के बोलने से बहकावे मत आइए। यहाँ बड़े बड़े टीके लगा के, कड़े सोने के पहन के वीडियो निकालते हैं, उनका कुछ नहीं है मेरे भाई, वो सब ऐसा ही है, देखा हुआ है। मैं बताता हूँ आपको, पोल खोल दूंगा सबकी, ये सब धंधे वाले है ही नहीं। सही बात है। हाँ, वो तो मुख में राम बगल में सूरी वाला काम है, वो सब काम नहीं है। आप आइए एक बार दुकान पे विजिट करिए, माल नहीं मंगवाना, विजिट करिए और फिर देखिए हमारा व्यवहार देखिए और आपका माल भी देखिए। नहीं पा आपको किसी से लाख का लेना है तो हमारे से एक बार 10,000 का ले जाइए, वो 10th सब बढ़िया से बढ़िया चीज़ आएगी, एकदम वेरायटी बढ़िया से बढ़िया आएगी। ये सब जो चीज़ें हैं ये देखो, अब ये सब नया क्रिएशन चल रहा है, इस टाइप का क्रिएशन देखिए, सब इसमें मैचिंग कलर सब बढ़िया से बढ़िया चीज़ें आएगी आपको, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखिए सब क्रिएशन एकदम न्यू क्रिएशन आएगा इसका, चीज़ देखिए ये सब का नया जो चीज़ है, आपको बेचने की ज़रूरत नहीं है, एक बार शॉप पे रखोगे ना तो आराम से इजी बिक जाएगा, उसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं। इजी से इजी आपने व्यूअर्स मतलब इजी से इसमें 250 से 500 रुपये आराम से एक नोट पीछे का 500 तो नहीं लेकिन 300 साढ़े 300 तो कहीं नहीं गया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 300 रुपये 300 साढ़े 300 नहीं कमाएगा तो फिर मतलब नहीं है, धंधा करना बेकार की बात है। उसमें इतना कमाएगा, दिन का 10 साड़ी बेचेगा, बेचारे का खर्चा निकलना चाहिए, निकलना चाहिए। देखिए सब चीज़ें सब बढ़िया से बढ़िया चीज़ें हैं, रेट वही जाएगी, जो रेट होगा वही लगेगा, होलसेल का जो मैन्युफैक्चर रेट है। हम लोग भी कपड़ा बना के हमें भी बेचना होता है, कपड़ा कोई घर में रखने के लिए नहीं होता, रिटेल वाले जो होते हैं उनको कमाना होता है, होलसेल वाले को कमाना नहीं होता है। सही बात। आप कमाइए आराम से, आपका खर्चा निकलेगा, अगर घर पे से आप बिजनेस करते हो 20-25 हज़ार रुपये लगा के तो भी 5-6-7 हज़ार रुपये भारी होगी आपकी, नहीं क्योंकि कपड़ा हमने आपको दिया है। और कोई आपकी ऐसी गैर समझ होती है तो उसको हम भी सॉल्व करेंगे, आपको चिंता करने का विषय नहीं। सही बात है। हाँ, ये देखिए, ये देखिए सब वेरायटी आएगी एकदम, बस ब्रांड से ब्रांड वेरायटी आएगी, आप किसका काम देखिए और व्हाट्सअप करोगे तो ही आपको मैं वेरायटी बता पाऊंगा। जो होगा फोन नंबर नीचे लिखे आएंगे उसके नीचे, बस इतना समझा दिया और नहीं समझा सकता हूँ, ये सब बता दिया। सही बात है सर। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कोई जानकारी के लिए आप वीडियो के नीचे नंबर दिया गया है, नंबर पे कॉल करिए, सीधा आप दादा से कांटेक्ट करिए, सीधा इनके शॉप पे विजिट करिए। नहीं माल लेना है पर एक बार सूरत में आके विजिट करके देखिए तो मालूम पड़ेगा। अगर मन में हो आपके कुछ धंधा करने का विषय में के बारे में सोचने का है, किसी को ऐसा नॉलेज चाहिए कि भाई कैसा धंधा करेंगे, वो भी दे देंगे, कोई टेंशन नहीं। सही बात है। तो थैंक यू सर। थैंक यू भैया। थैंक यू।